पंजाब के मोगे जिले में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। जी हाँ, मोगे जिले में समाज की अंदरूनी सुरक्षा को खतरा खड़ा करने का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। एक हैरान करने वाली खबर मोगे जिले तो सामने आई है, जिथे ये बड़ा खुलासा होया कि मोगे जिले में अकाली आगू के सियासी सलाहकार के नौजवान के वलों बोगस मतलब जाली लाइसेंस बना के लोगों को लुटिया जाता है, लोगों को पैसे लुटे जाते हैं। मोगे जिले में बूटा सिंह नाम के व्यक्ति वालों ये सारा काम किया जाता है, जिस दे नाल मोगा के सेवा केंद्र के दो मुलाजम मिले हुए हैं जो कि लोगों को लुटते हैं, उन्होंने जाली लाइसेंस बनाते हैं। दसा जा रहा है कि फोटोशॉप ऐप की मदद न लोगों के बोगस असला लाइसेंस बनाए जाते हैं। जो ये खुलासा सामने आया तो पुलिस कर्मचारियों हत्था पैरों की पै गई। DSP निहाल सिंह और मनजीत सिंह की अगवाई हेठ हुण जांच कमेटी बनाई गई है। इस पूरी गल का पर्दा उदो फाश होया जदों एक असला लाइसेंस व्यक्ति ने अपने असले लाइसेंस नू रेन्यूअल कराने लिए दिता ता वह जाली पाया गया। मोगा पुलिस ने इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो कि मोगा के सेवा केंद्र में काम करते हैं और उन्होंने को एक प्राइवेट लैपटॉप भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस वालों जांच की जा रही है कि अजिहे बोगस लाइसेंस किन्ने क होर बनाए गए हैं और किन्ने क होर बन रहे हैं। पुलिस वालों सेवा केंद्र के दो मुलाजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मुलाजम की एक व्यक्ति की हजे भाल चल रही है। बाकी कुछ भी जारी है, असं पुलिस रिमांड रखिए।